देखिए भैया, मोशन ऑफ प्लेन, ठीक है, मोशन इन अ प्लेन, ध्यान दीजिए बेटा, एक्चुअल में यहां पर प्लेन भी बता दूंगा आपको, मोशन ने स्ट्रेट लाइन भी बता दूंगा, और मोशन ने स्पेस यानी 3D मोशन भी बता दूंगा, तीन के तीनों एक साथ, और साथ में इसके तीन क्वेश्चंस भी करा के आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए भाई प्लीज, अगर 1D मोशन है, क्या है, 1D मोशन है, ठीक है, तो 1D मोशन में आपकी जो पहली क्वेश्चन, अच्छा आपको पता है पोजिशन ये क्या, इसे आर को हम कहते हैं पोजिशन, क्या कहते हैं इसे, पोजिशन, और 1D में पोजीशन जो होती है या तो एक्स के लॉन्ग होगी या वाई के लॉन्ग होगी या जेड के लॉन्ग होगी, तीनों में से एक एक्सिस के लॉन्ग होती है, ठीक है, 1D हो रही है। वेलोसिटी भी इसे क्या कहते हैं भैया, वेलोसिटी, क्या कहते हैं इसे, और वेलोसिटी भी एक ही डायरेक्शन में होगी, और उसकी वैल्यू क्या होगी, डी आर अपॉन में डी टी होगी, क्या होगी, पोजिशन को अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो आपकी क्या आती है, वेलोसिटी आती है, ठीक है, समझ गया। अच्छा मैं 1D में केवल एक्स एक्सिस ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, एक्स एक्सिस, तो पोजीशन क्या होगी, एक्स आई कैप, क्या होगी, ये जो पोजीशन होगी केवल एक्स के अलोंग होगी 1D में, ठीक है, वेलोसिटी जो होगी उसको मैं क्या लिखता हूं, वी आई कैप, क्या लिख सकता हूं, वी आई कैप या वी एक्स आई कैप लिख सकता हूं, ठीक है, ये वेलोसिटी केवल एक्स के अलोंग है, ठीक है, यहां पर आई लगा दिया, अगर एक और जोड़ देता भी खैर आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ मोशन कैसी रहेंगी, सारी इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने देख रखा है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन कुछ इस तरीके से होगी, अगर केवल बॉडी एक्स के अलोंग चल रही है, ऐसे आप वाई के अलोंग भी कह सकते हो, जेड के अलोंग भी कह सकते हो, अगर बॉडी एक्स के अलोंग चल रही है, तो पहली इक्वेशन क्या होगी, वी एक्स इक्वल्स टू में यू एक्स प्लस ए एक्स टी, समझे, मतलब फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल्स टू में इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, और टाइम किसी एक्सिस के अलोंग होता नहीं, इसलिए नॉर्मल टाइम रखा है हमने, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन क्या होगी, एक्स इक्वल्स टू में यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ये आपने सेकेंड इक्वेशन यूज की है, ये बॉडी केवल एक्स के अलोंग चल रही है, ऐसी वाई के अलोंग भी चल सकती है और जेड के अलोंग भी चल सकती है, ठीक है। अच्छा ऐसी तीसरी इक्वेशन क्या होगी आपकी, वी एक्स स्क्वायर माइनस यू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू में टू ए एक्स इंटू में एक्स, ये तीसरी क्वेश्चन होगी, पहली क्वेश्चन का आप इस तरीके से इस्तेमाल करोगे, दूसरी का इस तरीके से, और तीसरी का इस तरीके से, अगर बॉडी केवल एक्स के अलोंग चल रही है, वाई के अलोंग चलेगी तो ये सब क्या होगा, वाई के टर्म में हो जाएगा, यहां पर जहां पे एक्स लिख रखा है वो सब क्या होंगे, वाई हो जाएंगे, और अगर बॉडी केवल जेड के अलोंग चल रही है, 1D हो रहा है, मतलब केवल एक एक्स के अलोंग चल रही है, तो ये सब किसके टर्म में आ जाएंगे, जेड के टर्म में आ जाएंगे, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं 2D की, 2D मोशन की, ध्यान दीजिएगा 2D की, अगर मैं बात कर रहा हूं 2D मोशन में, तो आपकी जो पोजीशन होगी, ध्यान दीजिए बड़ा, पोजीशन होगी, अच्छा यहां पर ठीक है, पोजीशन होगी वो एक्स आई प्लस वाई जे के टर्म में होगी, मतलब यहां पर जो पोजीशन है उसके पास एक्स भी और वाई भी है, जब ये पोजीशन चेंज होगी तो एक्स वाई दोनों ही क्या होंगे, चेंज होंगे, क्योंकि तो 2D मोशन है, ये प्लेन में होता है जनरली, आपको याद होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। अच्छा वेलोसिटी क्या होगी बेटा, तो वेलोसिटी के पास क्या होगा, वी एक्स आई प्लस वी वाई जे, समझ गया, अच्छा वी कैसे आएगा, तो आपको पता है वी जो होगा वो डी आर अपॉन में कर गया, क्या आएगा, डी टी करके आएगा, पोजीशन के डिफरेंशिएशन के बराबर आएगा। अच्छा एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन वेक्टर क्या होगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, एक्सेलरेशन कैसे आएगा, एक्सेलरेशन कैसे आएगा, डी वी अपॉन में डी टी करके आएगा, याद नहीं आ रहा, एक्सेलरेशन इज द डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर इज द डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अब देखिए कोई दिक्कत तो नहीं है, अच्छा इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी लॉन्ग एक्स एक्सिस और इनिशियल वेलोसिटी लॉन्ग वाई एक्सिस, ये है आपकी इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या है अभी आपका एक्सेलरेशन, ये क्या है, ये क्या है फाइनल वेलोसिटी, और आपको याद होगा मैंने बताया था कोई भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होती है वो फाइनल ही होती है, किसी भी इंस्टेंट की वेलोसिटी, और ये क्या है पोजीशन, ठीक है। अच्छा तीनों, अब यहां पर अगर 2D मोशन हो रही है, तो यहां पर जो इक्वेशन ऑफ मोशन होगी एक्स के लॉन्ग अलग सॉल्व होगी, एक्स एक्सिस के लॉन्ग अलग सॉल्व होगी और वाई एक्सिस के लॉन्ग अलग सॉल्व होगी, जैसे मान लीजिए पहली इक्वेशन क्या होगी, वी एक्स इक्वल्स टू में यू एक्स प्लस ए एक्स टी, दूसरी क्या है एक्स इक्वल्स टू में यू एक्स टी प्लस हाफ
एक्स टी स्क्वायर, और तीसरी क्या होगी, वी एक्स स्क्वायर माइनस यू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू में टू ए एक्स इंटू में एक्स। देखिए भैया क्या है फाइनल वेलोसिटी, आप अलग सो देखिए, टू डायमेंशन मोशन हो रही है, टू डायमेंशन मोशन में आपका एक्स भी चेंज होगा और वाई भी चेंज होगा, एक्स के लॉन्ग की वेलोसिटी भी चेंज होगी, एक्स के लॉन्ग का सब कुछ एक्सेलरेशन होगा, तो आप नॉर्मली इन इक्वेशन का इस्तेमाल करोगे भैया, सारी चीजें आपको क्लियर होंगी जब इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लोगे लेंगे, ठीक है। तो देखिए भैया, और वाई एक्स के लॉन्ग इक्वेशन क्या होगी, क्या होगी, वी वाई इक्वल्स में क्या होगा, यू वाई प्लस ए वाई टी, वाई इक्वल्स में क्या होगा, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, और वी वाई क्या होगी, वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इक्वल्स में टू ए वाई इनटू में वाई। वाई क्या है, डिस्टेंस, वाई क्या है, डिस्टेंस। अच्छा भैया, अब 3D की बात करता हूं मैं, थ्री डी में क्या होगा, 1D में केवल एक्स वेरी कर रहा है, यहां पर एक्स वेरिएबल है, 2D में क्या होगा, एक्स भी वेरिएबल है और वाई भी क्या है, वेरिएबल है, 3D में क्या होगा, एक्स वाई जेड तीनों ही क्यों होंगे, वेरिएबल होंगे, 3D। में आपका क्या होगा, एक्स वेरिएबल, वाई भी क्या होगा, वेरिएबल, और जेड भी क्या होगा, ध्यान दीजिए बेटा, इसमें जो पोजीशन वेक्टर होगा वो किस कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, यू एक्स आई कैप, यू वाई जे कैप, यू जेड के कैप, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, वी एक्स आई कैप, वी वाई जे कैप, वी जेड के कैप। एक्सेलरेशन वेक्टर क्या होगा, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। अच्छा ये क्या है, पोजीशन वेक्टर, ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी, बेटा ध्यान दो पढ़ाई में, बातचीत बात में कर लेना, वेलोसिटी ये है आपकी फाइनल वेलोसिटी, और आपको जान पता है कि ये वेलोसिटी किसे निकलेगी, डी आर अपॉन में डी टी करके, याद है। अच्छा ये क्या है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ये कैसे निकलेगा, डीवी अपॉन में डी टी करके, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा अब जो इक्वेशन होगी कैसे यूज होगी, तो तीनों इक्वेशन को पहले एक्स एक्सिस के अलोंग सॉल्व करेंगे, पहले एक्स वाले कोऑर्डिनेट को सॉल्व करेंगे, क्या होगा, वी एक्स इक्वल्स टू में यू एक्स प्लस ए एक्स टी, ठीक है। अच्छा एक्स इक्वल्स टू में यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, और वी एक्स स्क्वायर माइनस यू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू में टू ए एक्स इंटू में एक्स, और वाई के अलोंग अलग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, वी वाई इक्वल्स टू में क्या होगा, यू वाई प्लस ए वाई टी, है ना। अगला क्या होगा, वाई इक्वल्स टू में यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, अगली क्या होगी, वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू में टू ए वाई इंटू में वाई, ये वाई के लॉन्ग की मोशन होगी। अब जेड के लॉन्ग अलग सोल्व करेंगे, अभी क्वेश्चन करोगे आपको सारा क्लियर रहेगा, लेकिन आपको बता दूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा, और इसमें से एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा तो वो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक है। चलो भैया देखिए, जेड का लॉन्ग क्वेश्चन का भी, वी जेड इक्वल्स टू में यू जेड प्लस ए जेड इंटू में टी। अच्छा यहाँ पे क्या होगी, जेड का लॉन्ग का डिस्टेंस क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी जेड टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन लॉन्ग जेड इंटू में टाइम का स्क्वायर। अच्छा ये क्या होगी, थर्ड इक्वेशन, फाइनल वेलोसिटी लॉन्ग जेड एक्सिस का, जेड एक्सिस इनिशियल वेलोसिटी अलोंग जेड एक्सिस का स्क्वायर इक्वल्स टू में टू एक्सेलरेशन जेड एक्सिस इनटू में डिस्टेंस अलोंग जेड एक्सिस। अब एक चीज देखिए भैया, आप देख रहे हो सब में टाइम सेम लिया है, अगर वन डायमेंशन मोशन होगी तो वन डायमेंशन मोशन में टाइम का ज्यादा वो आलोचना नहीं होता, टू डायमेंशन मोशन किसमें होती है, प्लेन में होती है, और अभी देखिए पार्टिकल यहां पर पहुंच गया, तो टी टाइम में एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया एक्स के अलोंग, और वाई के अलोंग कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वाई, तो एक्स के लॉन्ग जो डिस्टेंस एक्स कवर किया है वो कितने टाइम में किया, टी टाइम में पार्टिकल जब यहां पे पहुंचा तो उसने एक्स के लॉन्ग कितना किया, एक्स, और वाई के लॉन्ग कितना डिस्टेंस कवर किया, यानी एक्स और वाई कवर करने में चाहे वो किसी प्रकार की मोशन हो रही है सेम टाइम लगेगा, एक्स में भी वही टाइम लगा है और वाई में भी। अब 3D मोशन में करा रहा हूं,
3D मोशन। ये क्या है भैया एक्स, ये क्या है वाई, और ये क्या है जेड। पार्टिकल यहां पहुंच गया, एक्स वाई और ये क्या है जेड, कितना टाइम लगा टी। तो भैया आपको पता है एक्स के लॉन्ग जो डिस्टेंस कवर किया गया उसको कवर करने में कितना टाइम लगा टी, वाई को भी कवर करने में कितना टाइम लगा टी, और जेड को भी कवर करने में कितना टाइम लगा। मोशन चाहे 1D हो, चाहे 2D हो, चाहे 3D हो, अगर आप किसी भी पॉइंट पर जाओगे वहां पर पॉइंट के जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे, चाहे एक कोऑर्डिनेट होगा, चाहे दो कोऑर्डिनेट होगा, चाहे तीन कोऑर्डिनेट होंगे, तीनों को सेम टाइम में ही कवर किया जाता है। ठीक है भैया, समझ गया समझ गया। चलो ये चीज ध्यान में रखना, बड़ा बेसिक है ठीक है, और ये पिछले टॉपिक पे ही बेस्ड था। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं, इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा मैं कैसे करा रहा हूँ। बेटा और लेट आता, क्लास खत्म होने के बाद ही आता। अच्छा अच्छा पैदल चलने में जान लगता है। चल बैठे, देखिए पहले तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखिए, पोजीशन आपको दे रखी है। अच्छा ये बताओ किस किस टाइप की मोशन है, 1D मोशन है, 2D या 3D। ये जो पोजीशन दे रखी है वो कैसी है, कैसे पता लगा, एक्स भी है वाई भी है और जेड भी है। समझ गया भैया, अगर क्वेश्चन करते करते आपको पता लग गया 3D मोशन है। ठीक है, अब देखिए हमें क्या निकालना, वेलोसिटी निकालना, साथ में एक्सेलरेशन निकालना। क्या दे रखी है, पोजीशन, तो पहले हम निकालेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है बेटा, पोजीशन को डिफरेंशिएट कर दो, याद है डी अपॉन बी डी टी। आर की वैल्यू क्या रखी है, 3 t i, क्या वो 0.0 लिखने की आवश्यकता नहीं है, 2 t² j कैप, और फिर क्या है 5 k कैप, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। अब इंडिविजुअली आपको डिफरेंशिएट करना आता ही होगा क्योंकि तो आपको तो 1000 बार बता चुका हूं मैं ये चीज। ठीक है, कांस्टेंट चीजें क्या होती है, बाहर आती है। यहां पर कांस्टेंट कौन कौन है, 3 और i, 3 और i बाहर आ गया, अंदर क्या हुआ dt अपॉन में dt। ठीक है बेटा, अच्छा यहां पर 2 और j बाहर आ गए, dt² अपॉन में dt। ठीक है भैया, यहां पर 5 कॉन्स्टेंट अकेला है, तो जो गया अकेला, जो हुआ अकेला, उसको क्या कर दो भैया 0। ये क्या हो गया 0। अब देखिए बेटा 3 i डी टी अपॉन में डी क्या होता है 1, 2 j आपको पता है रूल क्या कहता है, इसकी पावर जो भी होगी वो आगे आ जाएगी, और जितनी पावर थी उसमें से क्या करो एक माइनस कर दो, तो बेटा क्या होगा 3 i प्लस ये क्या होगा 4 j इंटू में टी। ये क्या हो गया आपका वेलोसिटी वेक्टर आ गया, क्या आ गया। ठीक है, अब एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्या होगा बेटा डी आर डी वी अपॉन में, याद नहीं याद है, तो डी अपॉन में डी टी, वी की वैल्यू क्या रखी बेटा 3 i प्लस 4 j इंटू में टी, 3 i प्लस 4 j t। अगर मैं अब इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो एक्सेलरेशन वेक्टर क्या आएगा, 3 i, कांस्टेंट अकेला है तो भैया कोई बात नहीं इसको रखो इसके अंदर, यहां पर कांस्टेंट वेरिएबल दोनों है तो कांस्टेंट क्या होगा बाहर आएगा 4 j, अंदर क्या होगा डी टी अपॉन में टी टी। तो बेटा क्या हुआ एक्सेलरेशन वेक्टर इक्वल्स में क्या हुआ, ये तो 0 हो गया है ना, कांस्टेंट था 4 j, और ये क्या हुआ डी टी अपॉन में टी क्या होता है 1, तो एक्सेलरेशन वेक्टर क्या आ गया 4 j आ गया, क्या आ गया। अब देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, कह रहा है आपको वेलोसिटी चाहिए निकाल लिया भैया, एक्सेलरेशन वेक्टर चाहिए निकाल लिया भैया, फिर कह रहा है भैया फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट टी इक्वल्स टू 3 सेकेंड। तो एट टी इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे अगर आप वेलोसिटी निकालने जाते हो वेलोसिटी वेक्टर, तो क्या होगा 3 i प्लस 4 j इनटू में क्या होगा टी की वैल्यू क्या है 3, तो 3 रखिए बेटा, क्या आएगा 3 i प्लस 12 j, ये हो गया आपका वेलोसिटी वेक्टर। बोल रहा भैया पार्टिकल का इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालिए, तो आपको पता भैया ये तो वेलोसिटी वेक्टर है ना, और किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किस प्रकार से निकाला जाता है, याद है बेटा ऐसे किया था हमने, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 और 12 का स्क्वायर क्या 144, तो क्या आ जाएगा भैया इसका 153, क्या आ जाएगा अंडर रूट 153, जो कि 26 पॉइंट समथिंग आएगा, 26 आएगा हाँ जो भी आएगा। ठीक है भैया 153 आ गया वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। अच्छा डायरेक्शन निकालना हो, ध्यान दीजिए भैया पोजीशन वेक्टर किस टाइप का है 3D, वेलोसिटी वेक्टर किस टाइप का है 2D, और एक्सेलरेशन वेक्टर किस टाइप का है 1D। समझ गए, तो ये ध्यान रखो कि 2D में, 1D में तो आप सीधा बोलोगे, अगर मैं बोलूंगा एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा बताओ भाई, सीधा जो लिखा हुआ नंबर क्या लिखा हुआ है 4, लिख दे 4 आंसर आ गया। डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी इसकी, जे जे बोले तो वाई एक्सिस, क्या है
इसमें कोई दिक्कत नहीं होती वनडी में, सीधा जो नंबर लिखा वही मैग्नीट्यूड होगा और जो आई जे के लिखा वही क्या होगा उसकी डायरेक्शन। लेकिन जब हम टू डी की बात करते हैं तो टू डी वेक्टर में मैग्नीट्यूड इस तरीके से निकलेगा और डायरेक्शन निकालने के आप टेन थीटा का इस्तेमाल करोगे। क्या करोगे? और टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अच्छा बताओ वाई परपेंडिकुलर होता है या एक्स परपेंडिकुलर होता है? वाई एक्सिस। तो इसलिए परपेंडिकुलर हमेशा वाई का लोगे और बेस किसको लोगे? एक्स का। तो भैया डायरेक्शन निकालोगे आप, डायरेक्शन डायरेक्शन निकालने के लिए हम टेन थीटा का इस्तेमाल करेंगे और ये क्या होगा? हाँ कोई नहीं है, चले आ, कोई नहीं कोई नहीं, जा ना ना जा। ठीक है तो बेटा क्या हुआ आपको, वेलोसिटी सुन लीजिए, टेन थीटा निकालने के तीन तीन तरीके हैं। मतलब टेन थीटा हमेशा वाई अपॉन में एक्स होता है। अगर आपको पोजीशन दी होगी, पोजीशन पोजीशन दे रखी होगी टू डी में, तो आप लिखोगे वाई अपॉन में एक्स। अगर आपको वेलोसिटी दे रखी होगी टू डी में, तो आप लिखोगे वी वाई अपॉन में वी एक्स। और आपको एक्सिलरेशन दिया रखा होगा टू डी में, तो आप लिखोगे ए वाई अपॉन में ए एक्स। तो बेटा यहां पर बताओ, इसको देख करके, इस वेक्टर को देख करके डायरेक्शन बता दो मुझे, टेन थीटा की वैल्यू, इसको देख करके टेन थीटा की वैल्यू बता दो मुझे। 12/3 यानी 4, टेन थीटा की वैल्यू आ गई 4, यानी थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 4, टेन इनवर्स दैट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड भी आ गया, डायरेक्शन भी आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सरकारी में तो बहुत ज्यादा 100% आ सकता है ये, और बाकी प्राइवेट में भी इसके आने की संभावना 99% है, पहले बता रहा हूँ, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन, अब देखिए जैसे मैंने इक्वेशन लिखवाई, एक्स के नॉन की इक्वेशन अलग है, वाई अगर टू डी मोशन होगी तो वाई को अलग भी सोल्व करना, थ्री डी होगी तो एक्स वाई जेड तीनों को सोल्व करना अपने को, है ना। अब देखिए पहले क्वेश्चन को देखिए, रीड करिए और क्वेश्चन को समझिए किस प्रकार का क्वेश्चन। अपेक्स में एक क्वेश्चन आया था, बहुत आसान क्वेश्चन था, बच्चे समझ नहीं पाए, लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 था। क्या रखा था कि पार्टिकल लास्ट वाले सेकंड में 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, तो बिल्डिंग की हाइट निकालिए। थोड़ा सा दिमाग लगाते तो आराम से आया था। ठीक है अभी मैं कराऊंगा उस क्वेश्चन को, पहले देखिए इस वाले क्वेश्चन को। देखिए मेन चीज होती है एनसीईआरटी के क्वेश्चनों को रीड करना, उसको समझना। देखिए देखिए कैसे क्वेश्चन को रीड किया गया था, पहले समझ लीजिए। टाइम जब बोलते 0 तो इसका मतलब बेटा मैं इनिशियल की बात कर रहा हूं, किसके बात कर रहा हूं? जो भी होगा उस टाइम 0 पर एक्सेलरेशन होगा तो इनिशियल एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी होगी तो वो क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी होगी, समझ गए। तो कह रहा है 0 टाइम पर वेलोसिटी क्या है बेटा? भाई भाई ये कौन सी वेलोसिटी होगी? इनिशियल। क्यों पता, कैसे पता लगा? 0 बोला इसने तो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर बताओ क्या होगा? 5 i कैप मीटर पर सेकेंड। बेटा ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर कैसा है, 1D या 2D या 3D? 1D होगा क्योंकि केवल एक्स के लॉन्ग है। ठीक है भैया अब चलो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, बाकी मैं कलाकारी इसमें करने वाला हूँ आगे। अभी देखिए उसके बाद कह रहा है पार्टिकल कहाँ चल रहा है? एक्स वाई प्लेन में कहाँ चल रहा है? अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, एक फोर्स लग रहा है उसके ऊपर। और एक्सेलरेशन क्या है भैया? ये रहा, अब लिख दो एक्सेलरेशन क्या है बेटा? 3i+2j। ये बताओ 1D एक्सेलरेशन है 2D? समझ गया भैया? तो बस अब क्या कह रहा है, व्हाट इज द वाई कोऑर्डिनेट? कह रहा भैया y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी? पोजीशन बोल रहा है, क्या बोल रहा है? हम पोजीशन लिख रहे हैं, y कोऑर्डिनेट सॉरी x कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है? 84, यानी 84 i कैप लिखा हुआ है। लेकिन y कोऑर्डिनेट की वैल्यू मुझे पूछी है तो मैंने क्या लिख दिया? y j कैप। क्या लिख दिया? मुझे x कोऑर्डिनेट दे रखा है, मुझे क्या पूछ रखा है? अब आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, चाहे x अगर एक पॉइंट की बात कर रहा हूं तो एक पॉइंट पर एक्स की जो वैल्यू होगी या वाई की जो भी वैल्यू होगी दोनों को कवर करने में टाइम क्या लगता है? सेम लगता है। तो मैंने मान लिया कि इस पॉइंट पर पहुंचने में कितना टाइम लगा? टी कितना टाइम लगा? वो दे नहीं रखा। पता क्या आप क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? देखिए अब मैं थोड़ा इसमें कलाकारी क्या कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। आपको पता है एक्सेलरेशन कैसा है 2D, पोजीशन भी कैसी है, लेकिन हमारा इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर कैसा है? 1D। इसलिए इसको 2D की फॉर्म में लिख दो, हम कह लेते हैं 0J। क्या लिख देंगे? जे क्यों लगाया, क्यों क्यों लगाया, ये भी सुन लीजिए, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन में हो रहा है। क्या हो रहा है? अगर एक्स जेड प्लेन में होता तो के लगाता मैं, ये एक्स वाई प्लेन में हो रहा है इसलिए मैं आई और जे के बाद नहीं जा सकता बाहर। ठीक है ये मेरी बाउंडेशन है। चलो भैया अब हम सॉल्व कर रहे हैं, मुझे पता है कि एक्स की 84 वैल्यू पहुंचने में कितना टाइम लगा? टी। ये वाई की इस वाली वैल्यू को पहुंचने में कितना टाइम लगा? टी।
दोनों को कवर करने में सेम टाइम लगा है। तो अब देखिए भैया मैं सॉल्व कर रहा हूँ अलग अलग, ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में जो कैलकुलेशन होगी वो आप करना, बाकी मैं सारे कंसेप्ट को करा दे रहा हूँ क्योंकि काफी लेंथी क्वेश्चन है। मैं बात कर रहा हूँ मोशन लॉ, एक्स और वाई को कवर करने में सेम टाइम लगा है, ध्यान रखना। मोशन लॉ मैं क्या ले रहा हूँ, वाई एक्सिस, क्या ले रहा हूँ, वाई एक्सिस की मोशन ले रहा हूँ, यानी केवल वाई कोऑर्डिनेट्स की बात करूंगा। तो भैया आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस क्या था, इनिशियल। अब दिमाग रहे ना भैया बताना कि ये जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी कौन है, ये इसमें वाई की वैल्यू क्या है, जीरो। तो इनिशियल वेलोसिटी वाई के अलोंग कितनी है भैया, जीरो। एक्सेलरेशन अलोंग वाई क्या है भैया, बताओ, दो है, दो लिखो यहां पे। और पोजीशन क्या है वाई के अलोंग, पता नहीं है, वाई के अलोंग जो पोजीशन है वो पता नहीं है मुझे, ठीक है, अननोन है। टाइम कितना लगा, इन टाइम टी लगा, यही टाइम एक्स में भी लगेगा, समझ गया। तो अपने को देखो इनिशियल वेलोसिटी रखी है, एक्सेलरेशन दे रखा है, वाई की पोजीशन, अरे यार तो दिक्कत हो गई है, ये एक्स के लॉन्ग लेना है क्योंकि तो मैं एक्स से टाइम निकाल करके वाई की वैल्यू निकाल दूंगा। मोशन लॉन्ग क्या है, एक्स एक्सिस। अब बताओ इनिशियल वेलोसिटी एक्स के लॉन्ग क्या बेटा, बताओ जल्दी बताओ, पांच है ना, और एक्सेलरेशन एक्स के लॉन्ग कितना है बेटा, तीन, और एक्स के लॉन्ग पोजीशन कितनी कवर की है, 84। टाइम अपने को नहीं पता, टी माने मान लिया, कौन सी इक्वेशन लगाओ बताओ, डिस्टेंस दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है और इनिशियल वेलोसिटी रखी, कौन सी इक्वेशन लगाओ, पहली, दूसरी या तीसरी, दूसरी इक्वेशन लगाऊंगा, ठीक है बेटा। तो क्या होगा, एक्स इक्वल्स टू में यू एक्स टी प्लस सब, इसमें एक्स की फॉर्म में लिख दिया मैंने, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, यहां पर देखिए भैया एक्स कितना है बेटा, 84 डालिए, यू एक्स कितना है बेटा, पांच, टाइम अपने को पता नहीं है, प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है बेटा एक्स के लॉन्ग, तीन, अरे क्या हुआ, 30 पर, ठीक है। तो ये आ रहा 84, 5t प्लस क्या हुआ, 3t स्क्वायर अपॉन में 2, एलसीएम ले लो तो 84, ये क्या हुआ, 10t प्लस 3t स्क्वायर अपॉन में क्या हुआ, 2, ये हो गया एलसीएम। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्या हुआ, 3t स्क्वायर प्लस 10t बराबर में 168 आ गया, इसको इधर ले आओ तो क्या हुआ, 3t स्क्वायर प्लस 10t माइनस 168 बराबर में क्या आ गया, 0। अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप सबको सॉल्व करना होता होगा, इसको सॉल्व करोगे तो टाइम की एक नेगेटिव वैल्यू आएगी, मैं सॉल्व नहीं कर रहा, इसको नहीं लेना, कभी टाइम नेगेटिव एडजस्ट नहीं करता, टाइम की जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस 6, ये मेरे को याद है, ठीक है, प्लस 6 सेकंड आपको लेना और यही टाइम लगेगा, मतलब समझे कि ओरिजिन से कहां से स्टार्ट कर रहा है और एक्स की 84 वैल्यू कवर करने में, ओरिजिन से एक्स की 84 84 वैल्यू कवर करने में कितना टाइम लगा, 6 सेकंड लगा। तो मुझे पता है इतने टाइम में इनने वाई भी कवर किया होगा, तो भैया मोशन लॉन्ग अब क्या लेते हैं, वाई एक्सिस। तो भैया इनिशियल वेलोसिटी वाई की कितनी बड़ा, 0, एक्सेलरेशन वाई का कितना है, तो टाइम कितना भैया, वाई टाइम कितना लगा बेटा, 6, ठीक है, आपको वाई की पोजीशन निकालनी है, कौन सी इक्वेशन लगाओ बताओ, सेकंड ही लगाओगे, वाई इक्वल्स में यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, टाइम कितना लगा बेटा, 6 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन वाई के लोग कितना बेटा, 2, और 6 का स्क्वायर, सॉल्व करोगे तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, 36 मीटर, क्या आ गई। तो जब एक्स की 84 वैल्यू कवर कर चुका होगा तो वाई की 36 वैल्यू होगी उसकी, समझ गया, यानी ओरिजिन से एक्स की 84 और वाई की 36 वैल्यू कवर करने में उसको कितना टाइम लगा, 6 सेकेंड, समझ गया बेटा। अभी अपने को ये निकाल दिया भैया वाई की 36 आ गई। अब बोला भैया कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस टाइम, इस जब ओरिजिन से इस पॉइंट पर पहुंच गया, कितना टाइम पर पहुंचा, 6 सेकंड बाद पहुंचा, कह रहा है इसी टाइम पर बताइए कि पार्टिकल की स्पीड क्या होगी। तो एक बात ध्यान रखना, स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, स्पीड हमेशा किसका मैग्नीट्यूड होती है, सेकंड पार्ट कर रहे हैं तो इसे ध्यान रखना, स्पीड इज मैग्नीट्यूड ऑफ, ये चीज को ध्यान रखना भैया, सारे कंसेप्ट है। तो हमें वेलोसिटी तो पता ही नहीं है, 6 सेकंड बाद क्या वेलोसिटी होगी पार्टिकल, पता है क्या आपको, नहीं पता, लेकिन हमें पता 6 सेकंड बाद जो भी वेलोसिटी होगी उसके दो दो कोऑर्डिनेट होंगे एक्स और वाई,
कैसे पता? क्योंकि मोशन क्या है, प्लेन के अंदर हो रही है। तो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा? एक्स के अलोंग भी होगी वेलोसिटी और वाई के अलोंग भी होगी। जी तो नाउ वी एक्स क्या होगा? यू एक्स टी प्लस ए एक्स टी। वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता ना, तो बताओ भैया वी एक्स की इनिशियल वेलोसिटी एक्स अलोंग कितनी है? पता है इनिशियल वेलोसिटी एक्स अलोंग कितनी है? 5। एक्सेलरेशन एक्स कॉलम कितना है? 3। कितना टाइम बाद पूछ रहा है? 6 सेकंड बाद। तो भैया क्या आएगा ये? 23। क्या आएगा? मतलब जब उस पॉइंट पर पहुंच चुका होगा ओरिजिन से 6 सेकंड बाद, तो एक्स कॉलम कितनी वेलोसिटी होगी इसकी? 23। वाई कॉलम कितनी होगी? वी वाई तो उसमें यू वाई प्लस ए वाई की। अच्छा इनिशियल वेलोसिटी वाई कॉलम कितनी थी? इनिशियल वेलोसिटी वाई कॉलम कितनी थी? ये इनिशियल वेलोसिटी है ना, तो वाई कॉलम कितनी है? 0। एक्सेलरेशन वाई कॉलम कितना है? 2। और कितने टाइम बाद पूछ रहा है? 6 सेकंड बाद। तो क्या होगा? 12 मीटर पर सेकंड। तो भैया ये क्या होगा वेलोसिटी? वी एक्स कितना रखा है? 23। आई कैप और वी वाई कितना होगा? 12। जे कैप। अब इसका स्पीड निकालनी है, तो स्पीड क्या होता है इस वेलोसिटी का? मैग्नीट्यूड। क्या होगा बेटा? अंडर रूट 23 का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर। सॉल्व कर लोगे? हाँ, क्या आंसर? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये इस तरीके से होगा, सुन लीजिए। हो गया, अब आगे बढ़ो। कुछ पूछना तो नहीं किसी को? कोई डाउट है? अरे यार देखिए बेटा, ये क्वेश्चन एक रेलवे का एग्जाम होता है। रेलवे के एग्जाम में जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है ना, वो इस वाले एग्जाम को दे करके जाता है। ठीक है, रेलवे डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा रिश्वत होती है। ठीक है, तो अगर आपको रिश्वत अच्छे से लेनी है, तो आप इस वाले एग्जाम को क्रैक करो और जाओ। काफी अच्छा क्वेश्चन है। हाँ टॉप के डिपार्टमेंट जाने। देखिए सुन लीजिए, देखिए चलो, कह रहा भैया पार्टिकल की पोजीशन दे रखी है। क्या दे रखी है? आपको क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। क्या निकालना है? कब? टाइम क्या? एक्स नहीं है एक्चुअल में, पाई है। थोड़ी दिक्कत आ गई है। पाई बाय 4। पाई बाय 4 सेकेंड पर आपको क्या निकालना है? आपको दे रखा है। अच्छा आपको थोड़ा यहां पर बता दूं कि साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है कॉस। क्या होता है? और कॉस का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस साइन। क्या होता है? ये ध्यान रखना जो फॉर्मूला यूज हुआ है। ठीक है भैया, यहां पर थीटा लगा रखा है, तो यहां पर भी थीटा होगा। ठीक है, और एक चेन रूल आता है आपको मैथ्स में, पढ़ रखा है चेन रूल? नहीं पढ़ रखा? चेन रूल। देखिए बेटा चेन रूल क्या कहता है, ध्यान दीजिए। चेन रूल के अकॉर्डिंग मान लीजिए आप क्या कर रहे हो, देखिए जो मैं बता रहा हूं उसे ध्यान रखना। ठीक है, मान लीजिए आपको y की पावर n दे रखी है। क्या रखी है? और आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो। आप y की पावर n को x के पहले आप क्या करते थे? x की पावर n को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे, ये करते थे ना। और ये क्या कहता था? पावर क्या होगी? आगे आ जाएगी एक पावर जो भी होगी, उसमें से क्या करना? माइनस कर देना, यही करते थे अब तक। लेकिन चेन रूल में यहां पर क्या होगा कि ये जिसको आप डिफरेंशिएट कर रहे हो ना, और नीचे वाली चीज दोनों के अलग अलग है। पहले यहां पर भी क्या था? एक्स था। नीचे भी क्या था? एक्स था। लेकिन नीचे यहां पर क्या है? एक्स है, और ऊपर क्या है? वाई है। तो अभी इस कंडीशन में क्या करेंगे, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो इसके लिए चेन रूल अप्लाई करना पड़ता है। क्या कहता है चेन रूल, ध्यान दीजिए। ये जो एक्स है ना, इसको भी अज्यूम कर लो कि ये क्या है? वाई नहीं है, एक्स है। ये क्या है? जो यहां पर वाई लिखा हुआ है ना, इसको आप एज्यूम कर लो, लिखना वही है, लेकिन आप एज्यूम कर लो कि ये क्या है? एक्स है। तो एक्स की पावर, इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है? ऐसे वाई की पावर एन लिखा हुआ है, लेकिन हम क्या मान लेंगे ये एक्स की पावर क्या लिखा हुआ है? एन। एक्स की पावर एन का मतलब क्या होता है? पावर आगे आ जाएगी, और एक्स की पावर जो भी होगी, मक्खी बैठी क्या? अब छोड़ो ना, तो चले गए चिल।
एक्स की पावर में क्या करो, माइनस कर दो। ये जैसे यहां पर ये एक्स है, यहां पर ये एक्स है और यहां पर ये एक्स है, तो हम पावर क्या करते थे, रूल के हिसाब से आगे कर देते थे और जितनी भी पावर होती थी उसमें से क्या करते थे, माइनस कर देते थे। लेकिन यहां पर क्या है, वाई है, तो हम मानेंगे ये वाई नहीं, एक्चुअल में क्या है, ये एक्स है। अब जब इसको एक्स मान लेंगे तो हम करेंगे वही जैसे पिन नीचे किया था, लेकिन लिखेंगे उसको क्या, वाई। मान रहे हैं हम एक्स है लेकिन है क्या वाई, और लेकिन अभी इसको वाई ही है। ठीक है, अब देखिए, हाँ मैं करूंगा तो आपको पता भी आ रहा है। तो वाई को क्या एज्यूम कर लिया, एक्स। वाई को क्या एज्यूम कर लिया, तो भैया क्या कहता है रूल कि पावर क्या होगी, आगे आ जाएगी। और एक्स की पावर मतलब लिखना तो आपको वाई है, वाई की पावर जो भी है उसमें से क्या करना है आपको, माइनस कर देना। और आपने किसको एक्स एज्यूम किया था, वाई को, इसीलिए यहां पर लगाना गुड़ा, गुड़ा मतलब डॉट। और जिसको आपने एज्यूम किया था उसको दोबारा से क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, ये है आपका चेन रूल। यहां पर हम नहीं करते थे, यहां पे हमारा यही रिजल्ट होता था। एक्चुअल में यहां पर भी होता है, हम क्या कर रहे हैं, dx अपॉन में dx कर दे रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, वन हो जा रहा है, तो इसलिए हम उसको लिखते ही नहीं है। ठीक है, तो जब भी आप ऐसी चीज को डिफरेंशिएट कर रहे हो जो नीचे वाली चीज से मैच नहीं कर रही, तो आपको ऊपर वाली चीज को भी वही अज्यूम कर लेना जो नीचे लिखा हुआ है। नीचे क्या लिखा हुआ है, एक्स, तो ऊपर वाली चीज को भी हम क्या अज्यूम कर लेंगे, वो भी एक्स है। एक्स की पावर क्या है वहां पर, एन है, पावर आगे आ जाएगी, लिखना वही है जो था, और वो एक पावर कम कर दोगे। अब जिसको आपने एक्स अज्यूम किया था, किसको अज्यूम किया, वाई को, तो उसको आप लिखोगे डीवाई अपॉन में डीटी। अब इस रूल के हिसाब से हम ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ऊपर वाले कुछ फॉर्मूले लगे हुए हैं, ये साइन और कॉस का डिफिनेशन आपको दिया क्या है, आर क्या है, गिवन क्या है, आर वेक्टर इक्वल्स टू में क्या है, 4 cos, ध्यान दीजिएगा, 2t i क्या, बोलो हाँ, फिर क्या है, 4 sin 2t j क्या, ठीक है, फिर क्या है, 60, ठीक है, आपको निकालना क्या है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन तो डायरेक्टली निकल नहीं सकता क्योंकि पोजीशन ही है, पोजीशन से पहले क्या निकालोगे, वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी से क्या निकालोगे, एक्सेलरेशन, क्या निकालोगे। तो भैया चलो हम निकालते हैं भैया पहले वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है बेटा, किस टाइप का पोजीशन है ये, 1d 2d 3d 3d, तो ये वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, डी आर अपॉन में, पीछे बताया था मैंने आपको, तो क्या होगा, डी अपॉन में डी टी, आर क्यों लिखा रखिए, 4 cos 2t i क्या, 4 sin 2t j क्या, और 60, ध्यान दिए बेटा, एक बार इसको करेंगे एक बार इसको करेंगे, आप सबको पता होगा, ठीक है, 4 बाहर आएगा इधर, बोला हाँ, ये क्या हुआ, डी अपॉन में डी टी किसको करेंगे, cos, अच्छा यहां पर j, i को भी बाहर कर दो, कर दिया बाहर, cos 2t, इसको कर रहे हैं cos 2t, फिर देखिए यहां पर क्या होगा, ऐसे यहां पर क्या हुआ, फिर 4 बाहर आएगा, और क्या बाहर आएगा, जे बाहर आएगा, अंदर किसको रखूंगा, डिफरेंशिएशन, sin 2t, ध्यान दीजिएगा, ये समझ में आ गया स्टेप, तो अगला स्टेप एक्सेलरेशन आप ऐसे निकाल लोगे। यहां पर कौन बाहर आएगा, 6, और कौन बाहर आएगा, के, अंदर क्या होगा, डी टी अपॉन में डी टी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए, हम देख रहे हैं यहां पर टी है, लेकिन यहां पर क्या है, 2t है, तो हम इस 2t को क्या एज्यूम कर लेते हैं, टी, जैसे यहां पर वाई था, यहां पर क्या है, एक्स है, यहां पर क्या है, वाई है, तो इस वाई को हमने क्या अज्यूम कर लिया था, एक्स, यहां पर क्या है, टी है, और यहां पर क्या है, तो इस टूटी को मैं क्या अज्यूम करूंगा, टी, इस टूटी को क्या अज्यूम करूंगा, टी। तो भैया हमने क्या लिख दिया, 4 i cos, ये क्या लिखा है, क्या अज्यूम किया इसको, टी, कॉस टी का क्या होता है, कॉस का डिफरेंस क्या होता है, साइन, माइनस साइन क्या होता है, तो भैया जब इस कॉस को डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, माइनस साइन, क्या लिखूं भाई, जो एज्यूम किया वही लिख देना है, 2t, क्या लिखना है, 2t, समझ गया। अरे मैं कह रहा हूं, जैसे मैंने क्या लिखा है, एक्स को, वाई को क्या एज्यूम किया, एक्स एज्यूम किया, क्या किया, वाई को मैंने क्या एज्यूम किया, एक्स, तो भैया पावर आगे आ जाएगी, पावर, और एक पावर कम हो जाएगी, लेकिन जो आपने एज्यूम किया है वो नहीं लिखना, जो है वही लिखना है, समझा। अब सुन,
अभी क्या हुआ, हमने इसको क्या ज़ूम किया, ये क्या लिखा हुआ है टी, क्या ज़ूम किया, एज्यूम किया, लिखना वही है जो ये है, तो बेटा क्या होगा, कॉस का क्या होता है माइनस साइन, और जो आपने एज्यूम किया है वो नहीं लिखना, जो है वही लिखना है, जो एज क्या आपने एज्यूम किया, टी एज्यूम किया, लेकिन है क्या ये, तो इसको टू टी ही लिखो, और फिर उसके बाद हमने क्या किया, टू डी टी अपॉन में डी टी, क्योंकि आपको याद है ना भैया, उसके बाद मैंने क्या किया है उसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर दिया जिसको एज्यूम किया था। अब चलो दोबारा से लिखिए, 4j, ये क्या है 4j, ये क्या है साइन, ये क्या है 2t, लेकिन यहां पर नीचे क्या है t, ऊपर क्या है 2t, तो इसलिए 2t को क्या एज्यूम कर लो t, तो ये साइन का क्या होगा, साइन का क्या होगा कॉस, कॉस क्या लिखना भैया, एज्यूम किसको किया है 2t को, तो लिखना उसको 2t है, 2t, फिर क्या करो भैया, हो गया, समझ गया। चलो फिर 6k, और आपको पता है डी टी अपॉन डी क्या होगा, 1, क्या हो जाएगा, तो बेटा ये वेलोसिटी क्या आई, वेलोसिटी वेक्टर क्या है बताओ, देखिए ये क्या हो गया, अरे भाई बोली मत प्लीज, 4i, देखिए यहां पर अगर मैं 2t को देखूं तो 2 और t, 2 क्या है कांस्टेंट है, t क्या है वेरिएबल है, तो क्या करते हो आप, कांस्टेंट वेरिएबल अगर साथ में होते हैं तो कांस्टेंट को क्या करते हो बाहर निकाल देते हो, तो यहां से 2 बाहर आएगा, डी टी अपॉन टी क्या हो जाएगा 1, यानी 2t को अगर मैं अगर डिफरेंशिएट करूं तो भैया 2 क्या होगा, बाहर आएगा डी टी अपॉन टी, तो 2 ये क्या होता है, तो क्या आ गया, यानी 2t का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2 आता है, ठीक है। चलो भैया देखते हैं, तो इसको क्या लिखूं, वेलोसिटी वेक्टर, चलिए बेटा फो ये देखिए माइनस, ये रहा माइनस, सबसे आगे लगा दीजिए, ठीक है माइनस सबसे आगे लगा दिया, ये क्या भैया 4, और यहां से क्या बचेगा 2 आना है, अभी ऊपर रहा था ना मैंने, 2t का क्या आ जाएगा 2 डिफरेंशियल, ठीक है, तो वो 4 और 2 के क्या होंगे 8 हो जाएंगे, ठीक है, ये क्या हुआ साइन 2t, और ये क्या हुआ, ये जो आई है वो पीछे लगा दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है, 8 sin 2t आई क्या, अच्छा यहाँ बताओ ये क्या लिखूं, से 4 ये रहा, इससे क्या होना है, इससे 2 आएगा, वो 2 और ये 4 क्या होगा 8 हो जाएगा, हो गया 8, cos ऐसे लगा दीजिए और ये जे पीछे लगा दीजिए, ठीक है बेटा। चलो 6k, और ये क्या हो गया खत्म कर दीजिए, अब आपको वेलोसिटी पता लगी, अब आपको निकालना है एक्सेलरेशन, क्या निकालना है, तो भैया एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है डीवी अपॉन में डीटी, याद है ना, क्या लिखे डी अपॉन में डीटी, वी की वैल्यू क्या रखी थी, तो -8 sin 2t i कैप, और ठीक है -8 sin 2t i कैप है ना, फिर क्या था 8 cos 2t j कैप, और फिर क्या था 6k क्या, ठीक है भाई। अब ध्यान दीजिए, अब मैं ज्यादा यहां पे रूल वाल नहीं लगाऊंगा, सीधा करूंगा, -8 और i बाहर जाएंगे, -8 और i को क्या कर दीजिए बाहर कर दीजिए, अंदर क्या होगा d अपॉन में dt sin 2t, ठीक है बेटा, यहां पर 8 और j क्या होंगे बाहर जाएंगे, तो क्या होगा d अपॉन में dt cos 2t, ऐसी क्या हुआ 6 क्या है, तो 0 कर दो इसको क्योंकि कांस्टेंट अकेला है, जानिए तो -8 i, देखिए आपको पता है कि भैया ये क्या है 2t है, और नीचे क्या है, तो क्या एज्यूम करोगे 2t को, 2t क्या है t है, लिखना वही है जो है, लेकिन एज्यूम करने में क्या जा रहा है, तो ये क्या है साइन 2t है, साइन का क्या होता है कॉस होता है, क्या होता है कॉस 2t, जिसको एज्यूम किया उसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है बेटा। अब 8j बाहर था, ये क्या है कॉस है 2t है, तो 2t को क्या एज्यूम कर लो t, कॉस का क्या होता है माइनस साइन, क्या होता है माइनस साइन, 2t लिख दीजिए, फिर उसके बाद
टू टी को दोबारा से डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। ये क्या होगा, माइनस एट आई कॉस टू टी, और आपको पता है इसको करोगे तो क्या आएगा, टू वन है, प्लस एट जे, इधर क्या आएगा, माइनस साइन टू टी, और इसको करने में क्या आएगा, टू, ये बेटा मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हुआ, माइनस सोलह आई कॉस टू टी, ये क्या होगा, माइनस तेरह, माइनस सोलह साइन टू टी जे क्या, ये क्या आ गया बेटा, एक्सेलरेशन आ गया, ये एक्सेलरेशन आ गया। आपको कब पूछ रखा है, टी इक्वल्स टू पाई बाय 4 सेकेंड पर, तो जहां पर भी स्मॉल टी है ना वहां पर क्या रखो, पाई बाय 4, तो क्या रखेंगे, तो एक्सेलरेशन वेक्टर इक्वल्स में क्या आएगा, माइनस 16 आई साइन, और कुछ रिकॉस है ना, कॉस टू, तो ऐसे लिख दिया टी की, यहां पे क्या रखोगे, पाई बाय 4, माइनस 16 साइन टू, टी की यहां पे रखोगे बेटा पाई बाय 4 इंटू में क्या हो गया जी, अब काटा पीटी कर लो, दो से दो कैंसिल, ठीक है भैया, ये दो से दो ये भी कैंसिल, ठीक है, तो एक्सेलरेशन वेक्टर क्या आएगा, -16 आई, ये क्या होगा, cos π/2, cos π/2, cos π/2 कितना होता है 90, और cos 90 होता है 0, क्या होता है, ये पूरी टर्म क्या होगी, 0, ठीक है, -16 sin, ये क्या होगा π/2 जे क्या, और sin 90 क्या होता है 1, क्या होता है, तो एक्सेलरेशन वेक्टर क्या है बेटा, -16 ये 1 हो गया जे, तो -16 जे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया आपका एक्सेलरेशन वेक्टर। अच्छा ये एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या है बेटा बताओ, क्या है ये, 1D वेक्टर है क्या, ये कैसे पता, तो कीजिए, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या है बताओ, डायरेक्शन किसके लोगे, नेगेटिव वाई एक्सिस के लोग, क्या है, अगर प्लस जे होता तो पॉजिटिव वाई के लोग होता, माइनस जे तो क्या होगा, नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है बेटा, ठीक है, टूटी टू डी, का टू डी कहाँ गया, एक्सेलेरेशन में, आएगा। अब एक एक चीज तो बता क्या हूं मैं, क्या, हाँ क्या हुआ, अब भाई इतना यार कैसे पागल है क्या, ये नहीं आएगा एग्जाम में आपके, सीबीएसई में नहीं आएगा, तेरा बंटा धार है साले, तेरा कुछ नहीं होना, देखिए भैया अब बात कर रहे हैं भैया प्रोजेक्टाइल, सुन लीजिए, प्रोजेक्टाइल होता क्या, किसी भी चीज को आप फेंक दो उसके अंदर इंजन नहीं होना चाहिए, इंजन जो भी चीज बगैर इंजन के हो, ठीक है, और अगर आप उसको प्रोजेक्ट कर देते हो उसको हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं, द पार्टिकल विच वर्क अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी विदाउट इंजन, द पार्टिकल विच वर्क अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, जिसपे केवल क्या काम करे, ग्रेविटी काम करे, अर्थ का खिंचाव ही काम करे, उसके अंदर कोई इंजन ना हो, ऐसे पार्टिकल को हम क्या कहते हैं भैया, प्रोजेक्टाइल कहते हैं, ठीक है भैया, ध्यान दीजिए, टॉपिक का नाम है प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल, द पार्टिकल विच वर्क अंडर द एक्शन ऑफ, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या होता है, अर्थ के द्वारा लगाया गया फोर्स, अर्थ के द्वारा किसी पे भी अर्थ अपना फोर्स लगा रही है, चाहे आप पे चाहे किसी ऑब्जेक्ट पे, तो उसे हम ग्रेविटी ही कहते हैं, द पार्टिकल विच वर्क अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, इंजन लेस होनी चाहिए, उसके पास इंजन नहीं होना चाहिए, ठीक है भैया, एग्जाम्पल में प्रोजेक्टेड स्टोन, ठीक है भैया, प्रोजेक्टेड स्टोन भी क्या है, प्रोजेक्टाइल का एग्जाम्पल है, कोई भी चीज आपने दोस्त को सर फाड़ने के लिए पत्थर फेंक दो वो भी क्या प्रोजेक्टाइल है, एक बैट्समैन ने बॉल को मार दिया वो भी क्या प्रोजेक्टाइल है, ठीक है भैया, टेनिस बॉल खेल रहे टेनिस बॉल भी क्या आपका प्रोजेक्टाइल है, ऐसे आपने थूक दिया वो भी एक प्रोजेक्टाइल है, क्योंकि आपने थूक में इंजन थोड़ा लगा हुआ है, और ग्रेविटी उस पर काम करती है खींच लेती है, ठीक है, तो ये सब क्या भी है प्रोजेक्टाइल है, जिसके ऊपर क्या करे ग्रेविटी अपना काम दिखा, समझ गए भैया, अब देखिए
टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल, हमारे पास दो टाइप के प्रोजेक्टाइल है, मतलब हम दो तरीके से चीजों को फेंकते हैं, हम चीजों को दो तरीके से फेंकते हैं। पहला है ऐसे करके फेंको, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, मतलब आप सीधा जिस जिस लेवल पर आपका हाथ है ना उसी लेवल पर किसी चीज को ऐसे फेंक दो, तो उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। ठीक है, मतलब जमीन के पैरेलल जब आप किसी चीज को फेंकते हो तो उस तरह के प्रोजेक्शन को हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन कहते हैं। ये प्रोजेक्टाइल आपके बेस को क्लियर करेगा, बाकी एग्जाम में ये नहीं आता, ना के बराबर आता, लेकिन इससे आपका बेस पूरा क्लियर हो जाएगा। और दूसरा होता है कि आप किसी चीज को ऊपर फेंक दो, जैसे बैट्समैन ऊपर मारता है शॉट मारता है, या किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंक देते, तो ये 0 डिग्री के एंगल के अलावा कोई सा भी एंगल हो आपका, जब आप जमीन के पैरेलल में फेंकते हो किसी चीज को, जब आप जमीन के पैरेलल में किसी भी चीज को फेंकते हो तो वो होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, और जब आप जमीन के पैरेलल फेंकोगे तो एंगल क्या होगा, 0 डिग्री का, क्या होगा। लेकिन आप जब जमीन के पैरेलल में नहीं फेंकते, या तो ऊपर फेंकते हो या नीचे फेंकते हो, तो वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन नहीं कहलाता, वो एंगुलर या वर्टिकल प्रोजेक्शन कहलाता है। मतलब एंगुलर और वर्टिकल प्रोजेक्शन दोनों सेम होते हैं, नाम अलग है। तो हमारे पास दो टाइप के प्रोजेक्टाइल है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल। हमारे पास दो तरीके के प्रोजेक्टाइल है, पहला क्या है भैया, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, इसमें क्या होगा पैरेलल टू अर्थ सरफेस, अर्थ की सरफेस क्या आपको क्या करना भैया, पैरेलल फेंकना इसमें। दूसरा है वर्टिकल, और इसको एंगुलर भी कहते हैं, एंगुलर, ठीक है, वर्टिकल और एंगुलर, ठीक है। ये क्या होता है, एंगल विद हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल सरफेस। देखिए इसका भाई प्लीज, इसका प्रोजेक्शन ऐसे होता है, ये अर्थ है और आपने ऐसे फेंका, इसको ऐसे वेलोसिटी दी है, तो इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। और जब आप, ये अर्थ है और आपने किसी चीज को ऐसे फेंका, तो उसको वर्टिकल कहते हैं या एंगुलर कहते हैं, दो दो नाम है इसके। अब यहां पर कुछ एजम्पशन है जो आपको ध्यान रखनी है प्रोजेक्टाइल में। पहला भैया, अर्थ आपकी एकदम फ्लैट मानिए, एक्चुअल में अर्थ आपकी फ्लैट नहीं है, ठीक है, लेकिन आप ये मान के चलोगे जब भी आप प्रोजेक्टाइल मोशन करोगे तो उसमें अर्थ आपकी कैसी है, फ्लैट एकदम, क्या है। फिर दूसरा आपको बता दूं, अर्थ की रोटेशन ग्रेविटी के ऊपर अपना इफेक्ट दिखाती है, ठीक है, अर्थ की रोटेशन की वजह से ग्रेविटी के ऊपर कुछ प्रभाव पड़ता है, तो आपके ये मान के चलना है कि ग्रेविटी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा अर्थ की रोटेशन का, दूसरा ये। तीसरा है भैया, एयर का यहां पर किसी प्रकार का कोई रोल नहीं है, जब एयर की डायरेक्शन में किसी चीज को फेंका जाता है तो ज्यादा दूर जाती है, और जब एयर के अपोजिट फेंका जाता है तो वो पहले गिर जाती है, तो यहां पर जब दूर जा रही है तो इसका मतलब एयर फेवर कर रही है उसको, और जब पहले गिर जा रही है तो एयर क्या कर रही है, अगेंस्ट में, तो यहां पर आपको एयर का रोल नहीं मान के चलना है, कि एयर ना तो फेवर कर रही है और ना ही एयर आपके अगेंस्ट में, ठीक है भैया। तो ये तीन चार चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है भैया, पहली अर्थ शुड बी फ्लैट, दूसरा इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन द ग्रेविटी इज जीरो, अर्थ की रोटेशन का इफेक्ट ग्रेविटी के ऊपर कुछ भी नहीं होता, और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है, रोल ऑफ एयर इज नेग्लिजिबल, रोल ऑफ एयर इज एजम्पशन, एजम्पशन इन प्रोजेक्टाइल मोशन। पहला एजम्पशन क्या बेटा, ये ध्यान रखना, अर्थ शुड बी फ्लैट, अर्थ शुड बी, अर्थ कैसी है भैया, फ्लैट है। दूसरा इफेक्ट ऑफ रोटेशन, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन ग्रेविटी इज नेग्लेजिबल, नेग्लेजिबल, समझ गए, रोटेशन की वजह से उसके रोटेशन में ग्रेविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, एयर रोल इज नेग्लिजिबल, एयर रोल इज नेग्लिजिबल, किसी प्रकार का कोई भी रोल नहीं है। एक बात और ध्यान रखना, अगर मैंने एयर के रोल को हटा दिया, ठीक है,
एयर के रोल को। अच्छा बताओ ग्रेविटी किसके लॉन्ग लगती है, एक्स के लॉन्ग या वाई के लॉन्ग? कैसे पता? बे दिमाग लगा ना, कोई चीज ऊपर छोड़ेगी तो कहां गिरेगी, कोई चीज ऊपर छोड़ेगी तो कहां गिरेगी, नीचे तो ऊपर से नीचे आना मतलब क्या हुआ, समझी? तो ग्रेविटी क्या लगती है, तो एक्स के लॉन्ग। अच्छा ग्रेविटी एक फोर्स है, क्या है? जहां फोर्स वहां एक्सेलरेशन, वहां जहां फोर्स वहां। तो भैया ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन आता है उसको हम लिखते हैं जी, क्या लिखते हैं? स्मॉल जी, जिसको कई बार आप ग्रेविटी भी कहते हो, वो ग्रेविटी नहीं होता एक्चुअल में, क्या होता है? ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन होता है, उसको तो जी से लिखते हैं। उसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या कई बार 10 भी यूज कर लेते हो। अच्छा एक्स के लॉन्ग कौन सा फोर्स लगता है, वाई के लॉन्ग? तो ग्रेविटी लगी, किसका फ्रिक्शन? एयर अब एयर का रोल तो हट गया, एयर कुछ नहीं कर रही यहाँ पे। तो भैया ध्यान रखना एयर का रोल यहां पर है ही नहीं, इसका मतलब एक्स के लॉन्ग फोर्स की वैल्यू क्या है? जीरो। एक्स के लॉन्ग कोई फोर्स? जहां पे फोर्स नहीं वहां पर एक्सेलरेशन भी नहीं होगा, और एक्सेलरेशन जीरो का मतलब पता क्या होता है? या तो बॉडी रुक जाती है, या बॉडी चल रही है तो उसकी स्पीड कभी चेंज, याद है जीरो एक्सेलरेशन का मतलब जीरो। अब बाइक में एक्सेलरेटर नहीं देने का मतलब क्या है, कि बॉडी कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ी जा रही है। ठीक है भैया, तो इन चीजों को ध्यान रखना, अगली क्लास में दो प्रोजेक्टाइल दो के दोनों खत्म करके हम सर्कुलर मोशन पे आएंगे। ठीक है भैया, टाइम का इशू किसी को नहीं होना चाहिए मेरे को, मैं क्योंकि मैंने टाइम मिस रखा है। और भैया रेगुलर आना प्लीज, और मैं जितना अभी सुन लो, अभी सुन लो, अब मैं संडे को क्लास नहीं लिया करूंगा, पूरे वीक में जो पढ़ा रखा है उसको पूरा रिवाइज कराया करूंगा। ठीक है, तो इसलिए 1.5 से 2 घंटे की क्लास होगी, थोड़ा तेज कराऊंगा, लेकिन अगर आपने पहली बार अच्छे से पढ़ रखा है तो दूसरी बार मैं कितना भी तेज पढ़ाऊंगा आपको आराम समझ में आ जाएगा। और एक बात और है भैया, ईमानदारी के साथ घर पे जाके चीजों को पढ़ लो, क्योंकि फिजिक्स है ये, हिंदी नहीं है ये। आप घर गृहस्थी के झाड़ू पोछे में नहीं बात करते, आपकी मम्मी पापा नहीं बात करते इसके बारे में कि यार फिजिक्स ने तो ये कर दिया, फिजिक्स ने वो कर दिया, पंचायत में इसका यूज नहीं करते। तो इसलिए भैया आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ये उतनी ज्यादा आपको फ्लुएंसी दिखाएगी। ठीक है भैया, मिलते अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, टाटा बाय, जय हिंद, जय भारत। बाय।